यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। और अभी ये राइड थोड़ा रात हो गई है, 7 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मैं निकल गया हूँ छोटी सी राइड पे। अब से थोड़ा सा वीकेंड का थोड़ा सा प्लान रही रहा, तो हर हफ्ते 1 से 2 वीडियो का सीन है मेरा, तो 2 ब्लॉग एटलीस्ट आएंगे मेरे चैनल पे, और सामने देख सकते हो आप व्यू। और सैटरडे है, सामने अंधेरा भी है कोई नहीं, लेकिन इसका हाई बीम काफ़ी अच्छा है, दूर तक फोकस रहता है, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मेटियोर का मैंने रिव्यू किया था एक वीडियो पे, उसको काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है भैया आप लोगों की तरफ से, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस। दस कोलैप्स हो गया था भैया, चाहते क्या हो, आगे बढ़ो या तो कुछ कर लो, आगे भी नहीं बढ़ना भैया। ये देखो गाइस क्या गाड़ी बनाई भाई, स्विफ्ट, बढ़िया रिंग बनाए हैं भाई ने। और मैं तो निकला हूँ छोटी सी राइड पे, और सैटरडे थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा लग रही है, और वैसे तो नॉर्मल है, थोड़ा सा लंबी राइड कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ घूमने लायक है नहीं, तो लंबा तो सोच भी नहीं सकते लंबी राइड का, वैसे ही ठंड बहुत है। मजे लो भैया, वीकेंड के मजे कर रहे होंगे आई होप सभी। और कॉलेज वाले लोग कॉलेज जा रहे होंगे, और जॉब वाले जॉब कर रहे होंगे, और मैं ब्लॉगर ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। यार आप लोगों के लिए इतनी रात में आपके लिए शानदार नज़ारे लेके आता हूँ, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, और चैनल को तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सी ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं इसी चैनल पे। और हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। काफ़ी बढ़िया राइड है भैया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त। और ऐसा बहुत ठंडा है, आज मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था, थोड़ा सा उसमें माइलेज की वीडियो थी मिट्टी की, तो मैंने क्या देखा कि एक बंदा है पेट्रोल पंप पे गया और टैंक फुल कराया, राइट। टैंक फुल कराने के बाद उसने ट्रिप मीटर डाउन किया, मतलब ज़ीरो किया, तो ज़ीरो करके उसने चलाई 102 किलोमीटर के समथिंग। और वो ये बता रहा था कि 60 से 80 के बीच में उसने अपना बाइक रखा, राइट। तो जब वो वापस से पेट्रोल भराने गया तो 2.24 समथिंग लीटर उसके उसमें पेट्रोल आया फिर से, और माइलेज की बात करें तो 45 प्लस किलोमीटर माइलेज दिया मिटियोर ने, दैट्स अनबिलीवेबल। मैं भी टेस्ट करूँगा, देखते हैं मुझे कितना मिलता है। मैंने अभी तक ज़्यादा मैंने किया था टेस्ट, जब फर्स्ट टाइम मैं बाइक लेके आया था तभी टेस्ट किया था, उसके बाद मैंने किया नहीं। और अभी पहली सर्विस ही हुई है मेरी, तो सेकंड सर्विस के बाद ही थोड़ा सा एक एक्यूरेट पता चलेगा कि हाँ कि क्या माइलेज मुझे मिलता है। अगर मेरी स्पीड और आपका गाड़ी चलाने का तरीका कैसा, वो मैटर करता कि आपके माइलेज पर, राइट। आप
किस हिसाब से गियर बदलते हैं, किस हिसाब से ब्रेकिंग करते हैं, यही चीज़ें हैं भाई। अभी प्लान बन रहा है जयपुर जाने का। होप एक फ्रेंड है और उनके साथ राइडिंग का प्लान बन रहा है जयपुर का। सो देखो 24 को आई थिंक, अदरवाइज गाड़ी से बनेगा, कार से जाएंगे। अगर बाइक से नहीं बन पाया, लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ी से बनेगा, राइट, फोर व्हीलर से। और अगर कम लोग हुए तो बाइक से चलेंगे अपन। और ज़्यादा दूर नहीं है जयपुर, 270-280 किलोमीटर है वो तो। वन वे रूट है, बढ़िया, 4-5 घंटे में जयपुर। और दूसरी सर्विस करानी है इसकी 500 किलोमीटर के बाद। अब ऑलमोस्ट 2584 किलोमीटर हो चुके हैं और ठंडा हो रहा भाई। ब्लॉग तो बना रहा हूँ लेकिन ठंड से अकड़ रहा हूँ। ओ भाई साहब, बहुत ठंडा भाई। और दूसरे ब्लॉगिंग चैनल पे अभी एक भी ब्लॉग तो डाला नहीं है, बट चैनल बना के रख दिया है। टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम के वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। और देखते हैं, भागती तो गोली की तरह भाई। मैंने कॉन्टिनेंटल की राइड की थी, टेस्ट राइड की थी, तो यार भाई वो तो जहर भाई के कतई, मतलब गोली की तरह भागती भाई ये तो। चलो इस पर तो मेरा हाथ सेट हो गया, जिसको तो जैसे मर्जी वैसे चला लो, बट कॉन्टिनेंटल का भाई अलग ही मजा है, अलग ही क्रेज है। बट लो लॉन्ग राइड के लिए नहीं बनी हुई है भाई, तो थोड़ा सा उसमें लंबे राइड पर थोड़ा सा बैक पेन होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा सा इशू है। बाकी अदरवाइज सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट से लास्ट ईयर गया था मैं, तुंगनाथ गया था, ठीक है, तो वो था। और अभी गोवा जाने का सीन बन रहा है, तुम्हारा नेक्स्ट मंथ। तो पहले महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र घूमेंगे और फिर है गोवा का प्लान। तो गोवा में कैसे कैसे ट्रैवल सीरीज़ रहेगा वो भी इस ऐसी मैं एक सीरीज़ बना दूंगा, एपिसोड बना दूंगा, तो आपको प्रॉपर गाइड दे दूंगा कि कोविड टेस्ट लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, वैक्सीनेशन आपका है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अपने ब्लॉग में। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप चैनल को जल्द से जल्द फॉलो कर दें, राइट। और देखो भैया ट्रैफिक में फंसे तो भैया देर तक फंसे, काफ़ी ट्रैफिक है भैया, और ट्रैफिक का तो क्या ही बोलूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहना चाहिए, थोड़ा सा इंजन हीट होता है ना, थोड़ा सा ठंड में गर्मी मिलेगी, गर्मी। देखो भैया, देखो देखो धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चलने कोई दिक्कत नहीं मुझे। ओ भाई काफ़ी लेट बना वो लोग आज। ओ भाई खड़े हो जाते ना, खड़े हो गए ज़्यादा प्रॉब्लम और होती है, बीच रोड पे खड़े हो जाते हैं। देखो अननेसेसरी गाड़ी खड़ी हो गई है और जाम लग चुका है, और ब्रिज का काम चल रहा है, शायद होर्डिंग लगा रहे हैं ना, और नेविगेशन होर्डिंग होता है ना कि इतना किलोमीटर फ्रॉम अवे, ये सब चीज़। ये देखो भाई एक ज़बरदस्त व्यू अंदर का, अंडर पास का, देखो है ना मस्त, ऐसा एक नंबर भाई, एक नंबर, बहुत खूबसूरत बना दिया भाई। आई बी एम भी काफ़ी अच्छा है, ओ भाई ज़बरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग। ऐसे व्यू मिलते हैं ना तो भाई जन्नत होती, जन्नत, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और फेसबुक पे तो भी फॉलो करो जल्द से जल्द, ट्विटर सबका लिंक दे चुका हूँ, जल्द से जल्द फॉलो करो। और लेटेस्ट अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, लेटेस्ट फोटोज वीडियोस एंड ऑल राइट, ये सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम से मिलेगा। और थोड़ा ट्रैफिक है भाई, हैरियर जा रही है भाई, डार्क कंडीशन, और हमारी बाइक भी हैरियर से कम थोड़ी है। माइलेज का एक दिन एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ भैया, माइलेज पे 100 किलोमीटर चलाऊंगा, टैंक फुल, मैं भी वैसी ट्रिक अपनाऊंगा, टैंक फुल कर दूंगा और 100 तक चला लूंगा, फिर देखते हैं कितना माइलेज मुझे मिलता है। वॉल्वो B60 और वापसी चलते हैं, आपसे क्या बोलो, टाइम लैप्स बना देंगे इसका एक छोटा सा। देखो भैया इतना भीड़ भाई साहब, अमेजिंग भाई, अनबिलीवेबल, क्या है इतना जाम मिलेगा मुझे, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना ट्रैफिक मिलेगा मुझे भाई साहब, बहुत ट्रैफिक है भैया, तो फंसो ट्रैफिक में आप तब तक। ओ माय गॉड, गलत फंस गया भाई, गलत, जाने दो बाबू, जाने देते। लंबा जाम लग गया भाई, इसमें टाइमिंग नहीं आती ना, दिक्कत है, कितना मिनट मैं चल चुका हूँ। रॉयल इनफील्ड ने एक चीज़ जिसमें बेकार करी है, आगे का ना जो मड गार्ड है ना, प्लास्टिक का दे दिया भैया, सब कुछ अच्छी दिया ये, थोड़ा सा क्वालिटी है ना, थोड़ा सा ख़त्म कर दिया, थोड़ा सा इतना कॉस्ट लेती है फिर भी भाई रॉयल इनफील्ड, उतना वो करती नहीं अपना। देखो कितना जाम लगा भाई, कितना जाम लगा है, बहुत भाई साहब भीड़, अमेजिंग भाई। अभी चलाना तो भैया बहुत टफ है यहाँ पे, सोचो एक्टिवा से भैया पूरा उत्तराखंड घूम लिया भैया, और नोएडा तो नोएडा दिल्ली गुड़गांव तो भैया ऐसे लगा है जैसे कि रोज का रास्ता हो, 5-10 किलोमीटर का रास्ता हो, 250-300 किलोमीटर ज़बरदस्त करे उससे। ऑलमोस्ट चला दी थी मैंने एक्टिवा अराउंड 60,000-70,000 चला लिया था मैंने, खींची तो काफ़ी थी बढ़िया, और थोड़ा सा आखिरी टाइम पर थोड़ा सा कार रेनोवेट करा दिया मैंने थोड़ा सा, तो अब मस्त चलने लग गई है, और हल्द्वानी छोड़ के आया हूँ उसको, तो देखते हैं उस पर भी कभी चलाएंगे बाइक, और देखो पता चलता आगे किस वजह से जाम लगा हुआ है। और या ये ना ज़बरदस्ती के बीच में घुस जाते हैं, दिक्कत ये है। गिटार भी लिया भैया, गिटार देख के मेरे गिटार की याद आ गई, गिटार भी बजाना है भैया, बहुत कुछ बजाना है, सदा टाइम ऐसा भी नहीं कह सकता कि टाइम कम पड़ रहा है, वो तो कह ही नहीं सकते हैं टाइम कम पड़ रहा है, टाइम तो बहुत है भाई, टाइम बहुत है, बस कोऑपरेट करने का एक
वो है नज़रिया है कैसे यूटिलाइज करते हैं। हाई भी हूँ ना इसका भाई, जबर है, जबर जबर जबर। एंडेवर जा रही है भैया, क्यों क्या हो गया, ये भी तो हमारी एंडेवर से कम थोड़ी है। ऑलकेजर जा रही है, मज़ा नहीं आता ऑलकेजर को देखते, एक एसयूवी की फीलिंग नहीं आती, मज़ा नहीं आता गाड़ियों में बिल्कुल भी। साले कट मारना होता साले कट मारते क्यों नहीं है। और इससे राइड का मजा लेंगे। चलो भाई ब्लॉग कैसा लगा जल्दी से बताओ, तब तक के लिए गुड इवनिंग और सेफ राइड। गुड इवनिंग दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और जल्दी से ना फॉलोवर बढ़ाओ, फॉलोवर बढ़ाओगे तब मज़ा आएगा ना भाई।